हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। भाई, इस वीडियो में भी ले आई हूँ मैं आपके लिए बहुत सुंदर सी साड़ी, क्योंकि साड़ियाँ बनाकर सेल करना भाई मेरा शौक है, जो कि मैं आप लोगों के जरिए पूरा कर रही हूँ। बहुत प्यारी सी मैंने साड़ी बनाई है, पता नहीं वीडियो में तो कैसी लगेगी, पर लेकिन रियल में देखने में बहुत ही सुंदर है साड़ी। इसकी डिटेल मैं बता देती हूँ, उससे पहले मैं भाई जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको बताना चाहती हूँ कि भाई मैं साड़ियाँ बनाकर भी सेल करती रहती हूँ, ओल्ड साड़ी का रीयूज भी करती रहती हूँ, और बहुत अच्छे अच्छे आइडिया आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। जो लोग स्टिचिंग करते हैं उनके लिए भी मेरा चैनल बड़ा काम का है, और जो नहीं करते हैं उनके लिए भी बड़ा काम का है, क्योंकि आप हर वीडियो से कुछ ना कुछ सीखेंगे जरूर। तो भैया, कपड़े के बारे में पहले बता देती हूँ, फिर पूरी साड़ी मैं आपको नाप कर दिखाऊंगी, क्योंकि बिना नापे साड़ी को मैं नहीं देती हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो भाई, साड़ी मैंने बनाई है क्रेप के कपड़े की, और उसमें मैंने नेट और सीक्वेंस का काम किया है। ऐसी साड़ी मैंने एक सेलिब्रिटी को पहने हुए देखा था, तो मेरा बड़ा मन हुआ कि भाई टाइगर प्रिंट की साड़ी बनाऊंगी, और एक दो कमेंट भी आया हुआ था कि टाइगर प्रिंट के कपड़े में साड़ी बनाई है। तो कपड़ा है ये क्रेप का, ये क्रेप फैब्रिक है, सॉफ्ट वाला है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं है, वजन नहीं है, मतलब इतना ज्यादा इसमें, पर काफी सॉफ्ट और अच्छी क्वालिटी का क्रेप फैब्रिक है। नीचे की तरफ मैंने नेट लगा दी है, और फिर नीचे और वजन करने के लिए मैंने फ्रिल लगाई है। ठीक है, बलों को मैंने इसके सीला है, सभी बलों को मैंने सील दिया अच्छे से, क्योंकि पहनने में आसानी होनी चाहिए। जब मैं बलों को सीलती हूं तो एक बल मैं छोड़ देती हूँ, यानी कि जब आप साड़ी पहनेंगे ना, तो इस बल को बनाएंगे और फिर साड़ी को पहनेंगे। आप भी अगर साड़ी बना रहे ना, तो बलों को सीलते हुए एक बल आपको जरूर छोड़ देना है एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि जब हम इस बल को बनाकर पहनेंगे ना, इससे क्या होगा, यहाँ पर ना हमारे बलों पर खिंचाव नहीं आएगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ पर ऐसे हम पहनेंगे ना, इसको यहाँ पर खिंचाव आएगा। जो थोड़े से स्लिम होते हैं, पतले होते हैं, उनको तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो हेल्थी होते हैं ना, उनको यहाँ पर काफी फर्क पड़ेगा, बैठने उठने में प्रॉब्लम होगी। तो एक बल बनाइए, पल्लू थोड़ा बड़ा रह गया तो दो बल बनाकर पिनअप कर दीजिए यहाँ पर, फिर पहनिए साड़ी को, बिल्कुल अच्छे से पहनी जाएगी। पल्लू की तरफ भी मैंने 3 से 4 इंच की नेट लगाई है, और ये पेपर मिरर वर्क वाली लेस लगा दी है। तो चलिए भाई, हम साड़ी को नाप लेते हैं। तो चलिए भाई, साड़ी को हम नाप लेते हैं, क्योंकि ऊपर से बल सिले हुए हैं, तो नीचे की तरफ से मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ साड़ी कितनी बड़ी है। मेरा माइक थोड़ा सा आवाज करेगा। एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये 5.5 मीटर से ऊपर की ये साड़ी है, यानी 6 मीटर में थोड़ी बहुत कम है थोड़ी कम 6 मीटर में, क्योंकि ये कपड़े की साड़ी है। अगर ये नेट की साड़ी होती ना, तो 6 मीटर, 6.5 मीटर, उतनी बड़ी मैं साड़ी बनाती हूँ, मैं बिल्कुल छोटी साड़ी नहीं देती। तो ये 5.5 मीटर से ऊपर की साड़ी है पूरी। ठीक है, ये जाएगी। तो भाई चलिए, साड़ी मैंने आपको नाप के दिखा दी है, पल्लू मैं आपको दिखा देती हूँ कितना बड़ा बनाया है। पल्लू पर भी मैंने नीचे की तरफ फ्रिल लगा दी है, और पल्लू भी मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ कितना बड़ा है। एक, दो और 2.5 मीटर का मैंने पल्लू बनाया है, प्लस मैंने एक बल छोड़ा भी है, जो मैं आपको बता रही थी कि पहनना है आपको ऐसे बनाकर, वो भी छोड़ा है। ठीक है, और इसके ब्लाउज के लिए जाएगा 1 मीटर ब्लैक कलर का क्रेप का ही कपड़ा, 1 मीटर में अच्छे से ब्लाउज बन जाएगा। इसकी छोटी छोटी सी स्लीव्स बनवाइए, और चाहे उसमें फ्रिल लगवाइए, या बिल्कुल स्लीवलेस पहनेंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा, यानी कि जितना अच्छा स्टाइलिश इसका ब्लैक कलर का ब्लाउज बनेगा ना, उतनी और भी ज्यादा सुंदर ये साड़ी लगने वाली है। तो चलिए भाई, मैं आपको दिखा देती हूँ साड़ी की पूरी लुक कैसी आई है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको दिन की रोशनी में ये साड़ी दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं ना 2-3 जगह वीडियो बनाती हूँ, जिससे कि आपको पता चल सके कि भाई साड़ी का कलर वगैरह कैसा है कैसा नहीं है। तो ये मैं दिन की रोशनी में बना रही हूँ, और जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। साड़ी की लुक जितनी आपको कैमरे में अच्छी लग रही है ना, उससे भी ज़्यादा सुंदर है। मुझे पता है बहुत लोगों ने शुरू से वीडियो नहीं देखी होगी, तो मैं इसकी डिटेल बता देती हूँ। 5.5 मीटर से ऊपर की ये साड़ी है, इसके साथ आपको 1 मीटर ब्लाउज पीस मिलेगा क्रेप के कपड़े का, और क्रेप के कपड़े की ही ये साड़ी है, जिसमें मैंने नेट और सीक्वेंस का बॉर्डर लगाया है। साड़ी देखने में और पहनने में बहुत कंफर्टेबल है, रेडी टू वेयर साड़ी है। इसके बलों को मैंने सीला हुआ है,
पल्लू में सेट इसलिए नहीं करती क्योंकि बहुत लोगों को ना ओपन पल्लू लेना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं पल्लू बिल्कुल भी सेट नहीं करती हूँ। और भाई गौर कीजिए मेरे ब्लाउज़ के ऊपर, आपको इस साड़ी की पूरी लुक दिखाने के लिए ना मुझे तुरंत ये ब्लाउज़ बनाना पड़ा, क्योंकि प्लेन और स्लीवलेस ब्लाउज़ ही साड़ी के साथ अच्छा लगेगा, या फिर छोटी छोटी सी स्लीव्स बना लीजिए। अब ये ब्लाउज़ मैंने कैसे बनाया, भाई मेरी बेटी की एक टी शर्ट थी उसको मैंने फटाफट कट किया, आगे गले में छोटा सा डिज़ाइन डाला और छोटी छोटी सी फ्रिल लगा कर ये मैंने अपना ब्लाउज़ बनाया, क्योंकि ऐसे जुगाड़ मैं बहुत करती रहती हूँ, जो मेरी बेटी की टी शर्ट होती है ना उनमें से सब में से मैं ब्लाउज़ बनाती हूँ। और साड़ी की लुक आप अंदर की तरफ देख सकते हैं, यहाँ मैं कमरे में खड़ी हूँ और ये अंदर लाइट में मैं वीडियो बना रही हूँ, यहाँ भी उतनी ही सुंदर ये साड़ी लग रही है और हर स्किन टोन पर ये साड़ी अच्छी लगने वाली है। जो टाइगर प्रिंट है ना वो थोड़ा सा कैमरे में दबा हुआ आ रहा है, नहीं तो काफ़ी खिलता हुआ टाइगर प्रिंट का कपड़ा है। क्रेप का ये फैब्रिक है, क्रेप का ही फैब्रिक आपको ब्लाउज़ के लिए मिलने वाला है। पीछे वीडियो में मैंने पास से ये फैब्रिक दिखाया, आप देख लेना, जिनको भी साड़ी चाहिए वो डिटेल वीडियो जरूर देखा करो। ऐसी मैं चार साड़ियाँ बनाने वाली हूँ, तीन साड़ियाँ मैं सेल करूँगी, पर भाई इसमें से एक साड़ी मैं अपने लिए रखने वाली हूँ, क्योंकि पहनने के बाद ना इसकी लुक बहुत अच्छी आ रही है और मैं इतनी बार साड़ी पहन चुकी हूँ पर मैंने ना कभी साइड में इस तरीके से ना पल्लू को सेट करने के लिए पिन नहीं लगाया। और भाई अब मैं सोचती हूँ मैंने क्यों नहीं लगाया, पिन लगाने के बाद ना एक दो बल बनाकर पिन लगाया ना इतना अच्छे से ये पल्लू सेट हो गया ना ओपन पल्लू कि बस मैं तो बहुत कंफर्टेबल हो गई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। देखिए सेट पल्लू करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ, अंदर की तरफ कुछ इस तरीके की लुक आई है इसकी। अब बहुत लोग पूछते हैं कि भाई कैसे साड़ी ऑर्डर करनी है, कोई लिंक दे दीजिए। भाई साड़ी ऑर्डर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है मैसेज बॉक्स में, ठीक है, वहाँ पर साड़ी का स्क्रीनशॉट भेजना है जो भी साड़ी आपको चाहिए। पेमेंट नंबर मैं दूंगी, पेमेंट करनी है, जैसे ही आपकी पेमेंट आएगी अगले दिन आपकी साड़ी कुरियर हो जाएगी। कैश ऑन डिलीवरी मैं नहीं करती हूँ, पहले पेमेंट होती है फिर मैं साड़ी कुरियर करती हूँ, और बीच बीच में ना आपके ऑर्डर को ट्रैक कर आपको बताती रहती हूँ कि कहाँ तक आपका ऑर्डर पहुँच गया है, कब तक आपका पार्सल आएगा, वो सब मैं बताती रहती हूँ। और जब तक आपका पार्सल आपके पास नहीं पहुँच जाएगा तब तक आप मुझसे बात कर सकते हैं। और भाई इस साड़ी पर मैंने सोचा कोई नेकलेस पहनूँ, तो देखिए ये गोल्डन कलर का नेकलेस है जो कि मैंने बनाया है, पर लेकिन भाई ये साड़ी इतनी सुंदर है कि इस पर कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए भाई सोने से कम नहीं और खो जाए तो गम नहीं, सबसे अच्छी बात है भाई आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है ना उससे मुझे एलर्जी हो जाती है, और सोना तो भाई आजकल पहना ही नहीं जाता है तो मैं अपनी हैंडमेड ज्वेलरी बनाकर ही पहनती हूँ, तो इस साड़ी के साथ उस ज्वेलरी की भी ज़रूरत नहीं महसूस हो रही थी तो मैंने नहीं पहना है। किस किस को मेरी हैंडमेड ज्वेलरी पसंद है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना, और ये साड़ी आपको कैसी लगी है वो भी बताना। ओल्ड साड़ी के भी बहुत सारे रिव्यूज़ आने वाले हैं, तो भाई चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।